हेलो स्टूडेंट्स, JPIC डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है कोशिका अंगक के बारे में पढ़ रहे थे अभी तक। उसके बाद कोशिका अंगक में एक शब्द आया था, राइबोसोम क्या होता है। यह जो है राइबोसोम क्या होता है उनके बारे में हम आज जो है क्लास में चर्चा करेंगे। उसके बाद वहाँ यहाँ पर जो है कोशिकाओं की वृद्धि के लिए एक कोशिका विभाजन होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है राइबोसोम। राइबोसोम यह एक अति सूक्ष्म संरचना होती है, अति सूक्ष्म संरचना होती है जो कि एमिनो अम्ल से प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। यह जो राइबोसोम होता है यह अति सूक्ष्म संरचना होती है जो है एमिनो अम्ल से क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। सभी प्रकार के प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम द्वारा किया जाता है। राइबोसोम मुख्य रूप से अंतर्द्रव्यी जालिका माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। जो यह जो है आपका राइबोसोम होता है यह जो है सभी प्रकार के प्रोटीन्स के निर्माण का उत्तरदायी होता है। जो राइबोसोम होता है यह मुख्य रूप से अंतर्द्रव्यी जालिका पर छोटे छोटे जो है कण के रूप में चिपका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और क्लोरोप्लास्ट में जो है यह पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोशिका विभाजन। जीवधारियों में वृद्धि के लिए नई कोशिकाएं बनती हैं तथा मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के प्रतिस्थापन के लिए युग्मक बनते हैं
युग्मक बनते हैं। जो जो है जीवधारी होते हैं यह क्या करते हैं कि वृद्धि करने के लिए नई कोशिकाओं जो है नई कोशिकाएं बनती हैं और इसमें जो मृत और क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं उनके प्रतिस्थापन के लिए क्या बनता है युग्मक बनता है। कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहा जाता है। कोशिका विभाजन कहा जाता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहला है समसूत्री विभाजन। पहला कौन सा है समसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें ज़्यादातर कोशिकाएं विभाजित होती हैं, ज़्यादातर कोशिकाएं वृद्धि के लिए विभाजित होती हैं तथा इनमें प्रत्येक मात्र कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है तथा इनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की संख्या के समान होती है। वह कोशिका विभाजन जिसमें जो है जो ज़्यादातर कोशिकाएं वृद्धि करने के लिए क्या होती हैं विभाजित होती हैं और इनमें जो प्रत्येक मात्र कोशिका होती है वह जो है दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होती हैं और इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह प्रत्येक संतति कोशिका में जो है मात्र कोशिका के बराबर होती है। इस प्रकार का जो विभाजन होता है वह क्या कहलाता है समसूत्री विभाजन कहलाता है। समसूत्री विभाजन का उपयोग मुख्य रूप से जीवों की वृद्धि तथा ऊतकों के मरम्मत में जो है इसका उपयोग किया जाता शरीर द्वारा जो है किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्धसूत्री विभाजन।
इस प्रकार के विभाजन में, इस प्रकार के विभाजन में कुछ ही कोशिकाएं भाग लेती हैं, जो कि अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती हैं, इसमें जो है मातृ कोशिका होती है वह पहले जो होती है मातृ कोशिका, चार संतति कोशिकाओं में विभाजित होती हैं तथा इनमें जो गुणसूत्र होते हैं वह मातृ कोशिका से, आधे हो जाते। इस विभाजन में जो मातृ कोशिका होती है वह जो है प्रत्येक मातृ कोशिका दो की बजाय चार संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है, और इनमें मातृ कोशिका के जो गुणसूत्र होते हैं वह घट करके जो है संतति कोशिकाओं में आधी हो जाती है। तो इस प्रकार का जो विभाजन होता है वह जो है क्या कहलाता है, अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। विद्यार्थियों, आज के क्लास में बस इतना ही, यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे।